दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अभी मैं था ये प्रिंस कलेक्शन क्लोथ की शॉप है यहाँ पे, और आज रेसू के जो क्लोथ्स हैं उनको भी यहाँ से ले जाना है, इसी के लिए मैं दमन आया था। और दमन से रिलेटेड जो वीडियो है आज शूट हो चुके हैं फाइनली, और वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हो ये है दमन का ट्रैफिक कुछ इस तरह से है, और जैसे जैसे शाम बढ़ेगी ट्रैफिक भी बढ़ता जाएगा। विकेट बीच के किनारे जो है लोगों का आना शुरू हो गया है, और करीब अभी टाइम जो हो रहा है वो 5:04 हो रहा है, और देख सकते हो जैसे जैसे शाम होगी 6 बजे तक यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कुछ कहने को नहीं। तो अभी मैं इस दुकान के बाहर खड़ा था, विकेट थोड़ा टाइम लगेगा। इसकी दूसरी शॉप वो सामने आपको दिख रही होगी, प्रिंस कलेक्शन, यहाँ पे आपको साड़ी वगैरह मिल जाएंगी। बाकी जिस शॉप पे मैं था तो यहाँ पे जो लहंगे वगैरह होते हैं वो सब मिलते हैं। तो रेसू ने अभी नया लहंगा लिया था, उसी को मैं आज उठाने आया था, थोड़ा उसमें वर्क करना होता है उसके बाद मिलता है, तो इसीलिए आया था। जस्ट मेरे पीछे दुकान है, और अभी थोड़ा चलते हैं क्योंकि आधा घंटा अपने को मिला है, आधा घंटे बाद काम जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा घुमाता हूँ आपको थोड़ी मार्केट वगैरह। तो दोस्तों अपने पास अभी टाइम था इसलिए मैं आ गया हूँ मछली मार्केट की तरफ, और थोड़ा आपको दिखा देता हूँ आज दुकानें जो है वो कम लगी हुई हैं। तो यहाँ पे आप आ सकते हो, और अगर आपको मछली वगैरह लेना है तो यहाँ पे आकर आप मछली वगैरह जो है वो ले सकते हो। और कोशिश करता हूँ अगर प्राइस वगैरह जो है वो पूछता हूँ किसी से, तो यहाँ पे आप आकर मछली वगैरह लेना हो तो ले सकते हो। ये आंटी लोग बैठी हुई हैं, क्या प्राइस है इसका? ये पापलेट बोलते हैं ना इसको, 200। तो ये है पापलेट, और ये आपको 200 रुपये मिल जाएगी। ये वाली 50 की, वो 100 की, वो सारी 100 की। और झींगे वगैरह भी हैं इधर पे, ये झींगे बोलते हैं ना इनको, ये झींगा है। क्या रेट है ये? 100 रुपया। ये डिश पूरा, और ये कौन सा मछली है? 50 रुपये का पूरा डिश। तो काफ़ी सस्ता प्राइस है ये यहाँ पे, और आप आकर यहाँ पे मछली ले सकते हो। देख लीजिए आंटी को, इनसे आप मछली ले लीजिएगा, ये बैठी हुई हैं। और तो बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे, ये देख लो। ये कौन सी मछली है? ये वाली कौन सी? सिंगाली मछली। ये कौन कितने रुपए में? 180 रुपया। तो दोस्तों ये है सिंगाली मछली, और ये आपको 100 रुपये का एक पड़ जाएगा, और काफ़ी बड़ी है ये। मैं थोड़ा दूर से ये वीडियो दिखा रहा हूँ तो आप लोगों को छोटी दिख रही होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी है, और करीब इसका 1 किलो के लगभग वजन होगा, ज़्यादा ही होगा, और है ना मासी? हाँ, तो ये आपको 100 रुपये की मिल जाएगी। और इधर पे ये कुछ सूखी मछली है यहाँ पे। तो सूखी मछली मासी कैसी मिलती है? सूखी मछली ये पापलेट है, ये क्या भाव है? 100 का 6 है। और ये लंबा वाला कौन सा? ये लंबा वाला कौन सा है? पाटा। ये क्या भाव है? 200 का ये 4 है। और ये भी इधर भी कुछ है मछली, जो कि इस अगर आपको सूखी मछलियाँ लेनी है तो वो भी ले सकते हो। प्राइस वगैरह मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि किस तरह से प्राइस है। कि आगे इस तरफ ये जो गली गई है इसमें भी और दुकानें हैं, तो यहाँ पे आकर आप मछली वगैरह जो लेना है वो ले सकते हो। तो अभी बहुत सारी दुकानें जो हैं वो बंद हैं, बिकेज शाम हो जाएगी तो शायद ज़्यादा खुलें, बाकी आज कम दुकानें खुली हुई हैं। तो ये कुछ गली है जिसमें आपको मछलियां जो हैं वो मिल जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह से था मछली मार्केट, और ये मल्टी लेवल पार्किंग है जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। 20 रुपये प्रति घंटा पे आप यहाँ पे अपनी जो कार है उसको पार्क कर सकते हो, और आराम से दमन घूम सकते हो। अगर आप कार वगैरह से आते हो तो यहाँ पे आप 20 रुपये में कार जो है वो पार्क कर सकते हो।
तो अभी मैं फिर से चल रहा हूँ दुकान पे और वहीं पे बैठूँगा क्योंकि बाहर गर्मी बहुत है। और ये आप देख सकते हो, ये है दुकान प्रिंस लेडीज वियर सामने। तो दोस्तों, रेसू ने लहंगा लिया था जिसकी सिलाई करवाना बाकी था, तो वो भी कंप्लीट हो गई है, तो वो ले लेते हैं। भैया पैक कर रहे हैं और पैक करवाने के बाद चलते हैं हम घर। तो दोस्तों, ये है खड़िया बीच और दशहरा के दिन हम शाम को गए थे इसी बीच पे घूमने के लिए दोस्तों के साथ में, और पूरा दिन कुछ भी शूट नहीं किया था मैंने। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? और आज है दशहरा, तो अभी हम बीच की तरफ आए थे शाम के टाइम ऐसे घूमने के लिए। और आज मेरे साथ विजय भी है कानपुर से, जो अपने ये कानपुर से, और तुम कहाँ से हो? ये छत्तीसगढ़ से है, और ये दोनों अपने कानपुर से ही हैं। और देख सकते हो अभी शाम का वक्त है, तो काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, और आज ऐसे ही थोड़ा टहलने के लिए आ गए थे। बाकी दिन में तो काफ़ी भीड़ रही है यहाँ पे, और ऐसे ही घूमेंगे भी थोड़ी देर और वापस घर जाते हैं। तो दोस्तों, करीब 6:30 बजने जा रहे हैं और देख सकते हो कितने सारे लोग हैं, और शाम का वक्त हो रहा है। आप देख सकते हो सूर्य जो है वो अस्त हो चुका है। अभी पिछले कुछ दिनों से जो शाम है थोड़ा जल्दी होने लगी है। तो आज है दशहरा, और दशहरे की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ। और ये देख सकते हो कुछ इस तरह से भी हुआ है, अभी काफ़ी लोग हैं यहाँ पे।